ये रागनी उस समय की है माननीय प्रधान जी, महाभारत की ये रागनी है। और उस समय की रागनी की जिस समय स्वयंवर हो रहा था काशी भूप के यहां पर अंबा अंबिका और अंबालिका का, और स्वयंवर हो रहा था तो उन्होंने दुनिया भर में तो न्योते भिजवा दिए, लेकिन हस्तनापुर में निमंत्रण नहीं भिजवाया। हस्तनापुर में निमंत्रण नहीं भिजवाया तो जब भीष्म जी को इस बात की सूचना लगी कि सब जगह निमंत्रण आया है, न्योता है, लेकिन हमको नहीं बुलवाया, और जबकि हस्तनापुर का नाम दुनिया में पूज रहा है, तो बहुत अपमान महसूस किया भीष्म जी ने। और भीष्म जी कहां मां सत्यवती के पास में पहुंचे और जाकर के कहा कि आज हमारे इस हस्तनापुर का, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि जीते जी कभी हस्तनापुर का अपमान नहीं होने दूंगा। लेकिन हुआ ये, सब राजा न्योते स्वयं पर मैं ना ध्यान करा हस्तनापुर का, और उस काशी भूप ने जानबूझ अपमान करा हस्तनापुर का। हे मां, मुझे अनुमति दीजिए, मैं जाकर के उस काशी भूप के स्वयंवर को भंग करूंगा और उन तीनों राजकुमारियों को लेकर के हस्तनापुर में आऊंगा, तो मेरा यह अपमान पूरा होगा। मां की आज्ञा पाकर के भीष्म जी चल दिए, और चल करके कहा काशी भूप के वहां पर पहुंचते हैं। स्वयंवर चल रहा था, बड़े बड़े राजा मुकुट पहने बैठे थे, इंतजार में थे कि वरमाला हमको पड़ेगी, दूल्हा हम बनेंगे, क्योंकि दूल्हा बनने के लिए आते हैं। स्वयंवर के अंदर सभी राजा महाराजा ये सोच करके आए थे कि राजकुमारियों को ब्याह करके हम ले जाएंगे। लेकिन हुआ ये, जब भीष्म जी ने जैसे ही उस स्वयंवर में अपना कदम रखा, वो सारे राजा महाराजा भीष्म को देख करके हंसने लगे और कहने लगे कि स्वयंवर तो यहां पर हमारा हो रहा था, हस्तनापुर में न्योता भी नहीं गया, पर भीष्म पे भी रुका नहीं गया, और इस स्वयंवर में आया है ब्याह करने के लिए, शादी करने के लिए। लेकिन इतनी ही बात सुनते ही भीष्म जी ने ऐलान कर दिया कि इन तीनों राजकुमारियों का डोला हस्तनापुर में जाएगा, और जिसकी मां ने दूध पिलाया हो वो रोक ले। इतना कहते ही सारे राजा खड़े हो गए और धनुष और बाण उन्होंने ताड़ दिया, लेकिन भीष्म जी के आगे किसी की पेश ना चल पाई। तीनों राजकुमारियों को उठा करके हस्तनापुर के लिए लेकर के भीष्म जी आ जाते हैं। दो राजकुमारियों का तो ठिकाना कर दिया, अंबिका और अंबालिका का, लेकिन अंबा बची। और अंबा जब उसका घरवासा नहीं कर पाए तो भीष्म जी से अंबा कहने लगती है कि मैं तुझसे शादी करूंगी, क्योंकि मुझे स्वयंवर से तुम लेकर के आए हो। लेकिन भीष्म जी कहते हैं कि मैं तुझसे शादी कैसे कर सकता हूं, मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है मैं गृहस्थ को नहीं अपनाऊंगा। लेकिन अंबा ने कहा कि फिर मुझे स्वयंवर से क्यों लेकर के आया जब तुझे ब्याह नहीं करना था। भीष्म जी कहने लगते कि अंबा, तू अगर कोई और राजकुमार देख करके उसके साथ में अपना ब्याह करवाना चाहे तो ठीक है, उसके साथ में करवा दूंगा। अंबा कहती है कि मेरी अगर शादी होनी थी तो मैं अपनी शादी शालव राजकुमार से करती, मैं उसको वरमाला पहना करके अपना वर चुनती, लेकिन तुम मुझे स्वयंवर से ठा लाए, अब क्या करूं। तो भीष्म जी ने दो चार सैनिक उनके साथ में छोड़े और उनका डोला वहां से चलवा करके कहा शालव राजकुमार के यहां पर पहुंचवा दिया। और शालव के पास में जब वो राजकुमारी अंबा पहुंचती है और जाकर के अपनी शादी का प्रस्ताव रखती है, तो एक बात के द्वारा वो शालव राजकुमार किस तरह से उस अंबा से क्या कहता है सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। सालव कैसे वर लेगा, तू तो गैर मर्द के साथ रही हो। सालव कैसे वर लेगा, तू तो गैर मर्द के साथ रही। वो हम हजारों कोस गई तेरे नाम कहने की बात रही। तुझे सालव कैसे वर लेगा, तू गैर मर्द के साथ रही। तू गैर मर्द के साथ रही।
बात की तू मत ना बोल बढ़ी केर हो सारी खोल काल बात की तू मत ना बोल बढ़ी केर मेरे स्वयंवर माला सीने आज भी हृदय अंदर रड़के तुझे रथ के अंदर गेरी थी भी सामने हाथ पकड़ी केर हो रथ के अंदर गेरी थी भी सामने और बता दिया 5-7 दिन हस्तनापुर में रहने के बाद आज मेरे पास आई है, शर्म नहीं आई तुझे अम्बा? किस तरह से क्या कहते बुला दुनिया में है कैसे गालियों की तुझे हो और का गाया दुनिया में मरा मराया खावे ना। तेरी हस्तनापुर से न्यारी चल
शालव घर में रख लेगा तू कोस हजारों चाहवे ना। जानू हूं अनजान नहीं अमृत में जहर मिलावे ना। शेर और बाज मार के खाते मरा मराया खावे ना। तेरी हस्तनापुर से न्यारी जग में ना कहीं और शिकायत रही। तुझे शालव कैसे वर लेगा तू गैर मर्द के साथ रही। और चौथी कली में किस तरह से क्या कहते बता। अपने मन से फिर